नमस्ते दोस्तों, मस्त मस्त मसाला रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी पानी फुल्की। आज मैं आपको बताऊँगी मज़ेदार चटपटी पानी फुल्की अपने घर में आसानी से कैसे बनाएं। पानी फुल्की बनाने के लिए सबसे पहले हम फुल्की का पानी बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है इमली। इमली को मैंने पानी में भिगोकर रखा था 3-4 घंटा। अगर आपने इमली को पहले नहीं भिगोया है तो आप इमली को गर्म पानी में भिगो दें, फिर इमली को छान लेना है। पानी को दूसरे बाउल में डाल दें। इमली छानने के बाद मिक्सी के जार में पुदीना, धनिया पत्ती, हरी मिर्च मोटा कटा हुआ अच्छे से धोना है। अब इसे पीसना है। चाट मसाला, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, सफ़ेद नमक, चीनी एक प्लेट में मिलाकर फिर सारे मसालों को जार में डालकर बढ़िया तरीके से पीसना है। पीसने के बाद अब क्या करना है, ऐसे जार को बाउल में डालना है। देखिए इस तरीके से आपको पीसना है। उसके बाद मिक्सी के जार में पानी डालना है। यह देखिए, उसको ऐसे अच्छे से घुमाना है। इमली का पानी डाल देना है, जो पेस्ट पिसा था उसके अंदर, यह देखिए। और आपने इसको ऐसे मिक्स किया। अब आपको इतना पतला चाहिए वो आप कर सकते हैं। ऐड करेंगे अनार के दाने। यह बन गया बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसको फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ठंडा होने के बाद पीने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। पानी बनाने के बाद एक बड़े से बाउल में बेसन छना हुआ ले लेंगे। उसके बाद आपको डालना है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, एक चुटकी सोडा। मीठा सोडा आपको एक ही पिंच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। आधा छोटा चम्मच चीनी, इसको मिक्स करना है। पानी डालने का तरीका क्या है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ऐसे ही मथना है। मथना आपको एक ही दिशा में है। बेसन में वॉल्यूम बनेगी और आपकी फुल्की एकदम हल्की फुल्की बनेगी। अगर आपने इसके अंदर सोडा एक चुटकी डाला है तो फुल्की में जाली बनेगी, जिससे कि आपको खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। और ऐसे इसे फेंटना है 20 से 25 मिनट। जैसे कि मैं फेंट रही हूँ, इसी तरह से मैं बेसन को फेंट फेंट के तैयार कर लेती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसा तैयार करना है। आपको इस तरीके से ऐसे तैयार करना है जिससे कि आप हाथ से फुल्की बना सके। बेसन आपका तैयार हुआ है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आपको एक बाउल में पानी भरना है और इसमें ऐसे देखिए बेसन को डालना है। डालते ही ऊपर आ गया है, बेसन अच्छे से हल्का हो गया है। तेल हल्का सा गर्म होना चाहिए। तेल के अंदर बेसन की छोटी छोटी फुल्की को इस तरह से डालना है। फुल्की को तेल के अंदर फटाफट स्पीड से डालें। फुल्की छोटी बड़ी जैसी भी साइज़ की बनानी है आप बना सकते हैं। इसे हाथ से ही बनाएं ताकि जल्दी बनेगी, दूसरी चीज़ से ट्राई न करें। मैं इसी तरीके से कढ़ाई को पूरी फुल्की से भर लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, कढ़ाई भर चुकी है। जब आपकी कढ़ाई भर जाए तो ऐसे इनको चलाना है और अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इसी तरीके से फ्राई करें जिससे कि सब में एक जैसा कलर आ जाए। यह देखिए फुल्की एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। यह देखिए कलर कितना बेहतरीन आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे तेल से निकाल लूँगी। आपको भी इसी तरह तेल से फ्राई करके निकालना है। इसी तरह से सारी फुल्की बनाकर तैयार करेंगे। यह देखिए फुल्की की जाली कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट।
फ्राई करने के बाद इसे पानी में डाल देना है, जो पानी हमने बना कर रखा था। यह देखिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे 15-20 मिनट तक पानी में रखना है। 15-20 मिनट के बाद फुलकी बहुत ही बढ़िया फूल चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। एक प्लेट में फुलकी डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अनार के दाने। फुलकी के ऊपर प्याज के लच्छे डालेंगे। सर्व करते समय ही प्याज को डालें। थैंक यू वेरी मच।